हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राकेश सर एंड वेलकम टू डूरा भाई फैमिली एंड ए न्यू पेपर कोर 7 सेमिस्टर 3 एंड पेपर नेम एनालॉग सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पिलामाने या पूर्वर आम ऑलरेडी कोर 5 मैथमेटिकल फिजिक्स एंड कोर 6 थर्मल फिजिक्स याको आम संपूर्ण रूपे कवर कर देजु। जदि जो पिलामाने से लेक्चर देखिन बा सब्सक्रिप्शन नहींन तो दूरा भाई फैमिली सहित कंटाक्ट कर, सब्सक्रिप्शन नियो। बहुत सिंपल लांगुएज रे ताको आम सजाई देचु, सब कोर्स को कंप्लीट कर देथिलु। तो एबे आम जाऊछु आउ गोटे पेपर आड़क जोटा कि हूँ ये सेमिस्टर लास्ट पेपर आ ता नाटा अच्छे एनालॉग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। मु पिलामाने तुमको प्रथमे सबुथर भली सिलाबस को देखाई दौजी, आम यूनिट 1 को पढ़वा आ सिलाबस रे आम पाखे अच्छे कौन ना यूनिट 1 रो सिलाबस हो सेमीकंडक्टर डायोड्स जहाँ एमती या तो सब सिलाबस लिखिदेगी आम कौन पढ़वार अच्छे आगे समझ देख पार्थ पे मुझको डायरेक्ट सीधा सड़क मोर कंटेन्ट उपरको नौ। तो आज आम डिस्कसन करने जाऊँगी इलेक्ट्रोनिक्स कौन से इलेक्ट्रोनिक्स। तुम्हें पढ़ा पूर्वर जो पे पढ़ुते आम जो बड़े ये पेपर को पढ़ुलु यार नाँटा था इलेक्ट्रोनिक्स थिला, एबे या नाँ को खाली चेंज कर दिखाई और नाँटा को रखाई कौन ना सेमी एनालॉग सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन। प्लस टू लेवल तुम सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रोनिक्स पढ़ी थो। तो इलेक्ट्रोनिक्स कहले कौन सब तो रही ऑप्टिक्स पढ़ी थो, स्टडी अबाउट लाइट, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ल, स्टडी अबाउट करेन्ट चार्ज चार्ज मोशंस पढ़ल, थर्मल फिजिक्स पढ़ल, स्टडी अबाउट हीट पढ़ल, मैकेनिक्स पढ़ल, स्टडी अबाउट फोर्सेस एनर्जी ये सब पढ़ल। तो एबे जो इलेक्ट्रोनिक्सटा कहले पे कौन या गोटे मॉडर्न फिजिक्स रहा गोटे इम्पोर्टेंट ब्रांच। तो ये देख पे सिंपल कथा हो तुम गोटे एग्जांपल दवापे जाऊँ मुझे मो एग्जांपल दौजे है नुआ एग्जांपल दौजे आम मान भर आम समस्त पिके फिल्म देखी। पिके फिल्म रे जो आमर तो समस्त पिके फिल्म देखी छो कि अच्छा ठीक अच्छे। तो पे समस्ते पिके फिल्म देखी, पिके फिल्म रे आमिर खान कौन कर देखी तो सी गोटे रेडियोटे धरिकी जाऊला तो से सब रेडियो यूज होता तापर किंतु आगुरा कही तापर रेडियो कही यूज कले मुनिशा स्टेट नौजे ना रेडियो कथा नौजे। रेडियो जो ये आम केवल भयस ही शुणुले आस्ते आस्ते डेवलपमेंट आम एफएम आसला तापर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आसला तापर आम कलर्स टीवी आसला तापर जाम एलईडी टीवी आसला तापर जाने ओएलईडी एलईडी कहले लाइट एमिटिंग डायोड, ओएलईडी कहले ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये जो आम पे टीवी आसुची एत आस्ते आस्ते आम पिक्चर क्वालिटी साउंड क्वालिटी वीडियो क्वालिटी आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी जाऊँ। आउ गोटे कथा कह मेमोरी कार्ड कथा कह आमर मेमोरी कार्ड है गोटे मेमोरी कार्ड यार साइज तुम देखु 2 GB देखु 4 GB 8 GB 164 GB 256 GB मेमोरी कार्ड रे साइज आम फोन रे जो मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर 2 GB 4 GB साइज जितक छोट गोटे 180 GB कि 256 GB मेमोरी कार्ड साइज से छोट जोटा फोन रेटा यूज हुए। तापर तुम फ्रिज कथा नियो, फ्रिज है वाशिंग मशीन है माने जिते सब तुम डिवाइस बाहर ये एमती किसी देखु पे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट थी ये जो डायग्राम देख पे जो डायग्राम गोटे इंट्रोड्यूस कर जगह देख पे मुझे किसी सब इंट्रोड्यूस कर सब देख ये डायग्राम गुड़ाक सब किसी इंट्रोड्यूस कर। तो कथा हूँ पे सब जिनस गुड़ाक डिवाइस रहा सर्किट देख ये मुझे केत समीकरण डिवाइस ना भी लिखिदेजी एटाला ऑपरेशनल एम्पलीफायर अप आर्म कार्बन को कलर कोड रेजिस्टर कैपेसिटर आईसी सर्किट ट्रांजिस्टर डायोड्स।
तो कथा मो कथा हूँ ई प्लान कि सेमिकंडक्ट डिवाइस रहा एम को नहीं एमती सर्किट तैयारी तो आस्ते 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 आम कौन हो डेवलपमेंट हो सिंपल आम डेवलपमेंट हो कहा डेवलपमेंट हो ना किसी डिवाइसेस जहाँ आम सेमिकंडक्ट डिवाइस कहचे जो थे कि इलेक्ट्रोन्सटा फ्लो कर पार्थ्य इलेक्ट्रोन्सटा कौन कर पार्थ फ्लो कर पार्थ्य कहीं जदि इलेक्ट्रोन्स फ्लो कर देन करंटा कन्स्टिट्यूट हे करंटा क्यारि कर तो दिनकू आम नुआ नुआ जिनस डिवाइस जो नुआ नुआ डिवाइस हला डेवलपमेंट हला आउ आम तार आप्लिकेसन भी कले जो थे कि इलेक्ट्रोन फ्लो होचे जमीक वैक्यूम ने कि सेमिकंडक्टर डिवाइस ने कि गैसेस मीडिया ने तो या आम कह या विषय पढ़िया पाठ को ही आम कह इलेक्ट्रोनिक्स तो इलेक्ट्रोनिक्स स्क्रीन पर लिखिदेजी इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ एंड डेवलपमेंट एंड आप्लिकेसन ऑफ डिवाइसेस सिस्टम इनवॉल्विंग इलेक्ट्रोन फ्लोज सच एज वैक्यूम सेमिकंडक्टर एंड गैसेस मीडिया जे नुआ नुआ जिनस डिवाइस है डेवलपमेंट है तार आम आप्लिकेसन पढ़ा जो थे कि इलेक्ट्रोन्सटा फ्लो कर पार्छे तो या ब्रांचटा को फिजिक्स को कहुए इलेक्ट्रोनिक्स कह जाए तो यही जगार जितक सब इलेक्ट्रोनिक डिवाइस सेमिकंडक्टर डिवाइस ना लिखी ये सबू जाक सेमिकंडक्टर डिवाइस विषय में आम डिटेल्स पढ़ा चैप्टर सब डिवाइस विषय कहार आप्लिक कौन कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ए सब डिवाइस विषय आम डिटेल्स पढ़ा ठीक अच्छे पे तो नेक्स्ट आसला कौन पे इलेक्ट्रोनिक एमिशन आम एवं कहले इलेक्ट्रोन्सटा फ्लो करा दरकार मत गोटे कथ कह पे इलेक्ट्रोन्सटा कौटे एमिशन हम ना सर इलेक्ट्रोन्स एमिशन कै मेटाल्स कै तो जदि गोटे मेटालिक ऑब्जेक्ट रोचे ये सिंपल गोटे मेटालिक ऑब्जेक्ट रहा एमती केत गुड इलेक्ट्रोन्स सब महजूद है रैंडमली इलेक्ट्रोन्सटा मोशन करल डिरेक्शन जहाँ आम फ्री इलेक्ट्रोन्स कहले तो जितेबाला मेटालिक बॉडी उपरे किसी एनर्जी अप्लाय हो मनकर किसी एक्सटर्नाल एनर्जी किसी एक्सटर्नाल एनर्जी ए मेटालिक बॉडी उपरे अप्लाय हो तो मेटालिक बॉडी धीरे 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 कौन है ना इलेक्ट्रोन्स डाक एमिशन होगा लगला इलेक्ट्रोन्स एमिशन होगा तो इलेक्ट्रोन्सटा कौटू एमिशन होगा ना मेटालिक बॉडी एमिशन होगा तापर तुम कौन अप्लाय कल ना एक्सटर्नाल एनर्जी अप्लाय कल ताल एई जो प्रोसेस रे इलेक्ट्रोन्सटा एमिट हो गोटे मेटालिक बॉडी रो ताको आम कह इलेक्ट्रोनिक एमिशन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और इजेक्शन ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटालिक बॉडी बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल एनर्जी इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोनिक एमिशन जे जो प्रोसेस रे मेटालिक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स एमिशन होची बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल एनर्जी ताको आम कौन कह इलेक्ट्रोनिक एमिशन कहवा तापर इलेक्ट्रोनिक एमिशन आम फोर टाइप्स रे पढ़ा कौन कौन सा से फोर टाइप्स ना फर्स्ट नाटा है आमर कौन ना पे आम कह फोटो इलेक्ट्रोनिक एमिशन पे फोटो इलेक्ट्रोनिक एमिशन कहले कौन जान आग फोटो इलेक्ट्रोनिक एमिशन कहले कौन ना जदि मेटाल बॉडी उपरे तुम्हें किसी लाइट एनर्जी अप्लाई करदि मेटाल बॉडी उपरे तुम्हें किसी लाइट फोटो मीनस लाइट आम ये एक्सटर्नाल एनर्जी प्लेस रे जो आम लाइट एनर्जी अप्लाय करवा क्या अप्लाय करवा ना गोटे मेटालिक ऑब्जेक्ट उपरे जो गोटे मेटालिक ऑब्जेक्ट उपरे आम कि लाइट एनर्जी अप्लाय कर जहाँफल कि फ्री इलेक्ट्रोन्सटा आम लिबरेट हो इजेक्ट हो मेटालिक बॉडी इजेक्टेड हो मेटालिक बॉडी या आम कह फोटो इलेक्ट्रोनिक एमिशन तापर पे सेकेंड आसला कौन फील्ड एमिशन विषय तुम ये दुटा को एमिशन उपरे तुम प्लस टू डिटेल्स पढ़ीज या तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ीज गोटे चैप्टर थी डुआल ऑफ रेडिएशन या विषय में आम फिफ्थ सेमिस्टर पढ़ा क्वांटम मेकानिक्स पढ़ा फील्ड एमिशन प्लस टू पढ़ीज करंट इलेक्ट्रिसिटी जे जदि गोटे कंडक्टर थी कंडक्टर दुईपट एंड्रे तुम्हें गोटे इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई करदल फॉर एग्जांपल गोटे बैटरी कनेक्ट करदल तुम इलेक्ट्रोन्स गुड़ाक एमती आम कौन होता ना एमिशन होता एड होता जेहतु इलेक्ट्रोन्स नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रोन्स गुड़ाक पॉजिटिव आड़क मोशन होता तम जो आम गोटे मेटालिक बॉडी दुईपट एंड्रे गोटे इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई करवा तो इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई करने फल जदि मेटालिक बॉडी इलेक्ट्रोन्स गुड़ाक इजेक्ट होता आम कह फिल्ड एमिशन तापर तीन नंबर नाटा आसला पे सेकेंडरी एमिशन कौन नाटा आसला ना सेकेंडरी एमिशन कह सर सेकेंडरी एमिशन कहले कौन देख पे यहीटा गोटे मेटालिक ऑब्जेक्ट रहा सिंपल एटा गोटे मेटालिक ऑब्जेक्ट रहा ये भितर किसी फ्री इलेक्ट्रोन्स अच्छी ना दे दो ई टू किसी फ्री इलेक्ट्रोन्स अच्छी जोटा कि रैंडमली मोशन एमती कर फ्री इलेक्ट्रोन्स ई टू ना दीजिए तो यापर आम किसी फ्री इलेक्ट्रोन्स बम्बार्टमेंट करवा ई वन नामक किसी इलेक्ट्रोन्स यापर बम्बार्टमेंट करवा
तो आम जो इलेक्ट्रोन्सटा ए मेटालिक बॉडी उपरे बम्बार्टमेंट कले नाँटा कौन ना मॉर्निंग इलेक्ट्रोन्स जी आम जन को देखे फास्ट टाइम गुड मॉर्निंग कहते मॉर्निंग कहते सेम जी फास्ट आसे आम सिंपल प्राइमरी इलेक्ट्रोन प्राइमरी इलेक्ट्रोन्स आम मॉर्निंग इलेक्ट्रोन कह जितने किसी प्राइमरी मॉर्निंग इलेक्ट्रोन्स आम मेटालिक बॉडी अप्लाई होती ए मेटालिक बॉडी एवं देखागला से ही जो सेकेंडरी इलेक्ट्रोन्स गुड़ाक यही सेकेंडरी इलेक्ट्रोन्स गुड़ाक भी इजेक्शन होगा लगला तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटालिक बॉडी बाय अप्लाइंग सम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट इज कॉल्ड एज कौन ना सेकेंडरी एमिशन जेहेतु सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक बाहर तो नाँटा है सेकेंडरी एमिशन तो पे लास्ट प्रोसेस लास्ट एमिशन नाँटा है थर्मोनिक एमिशन जहाँ कि आमर ये करेन्ट चैप्टर आम थर्मोनिक एमिशन उपर यही चैप्टर या विषय ही पढ़ा याको आम प्लस टू लेवल पढ़ी आम प्लस थ्री लेवल लेवल यह विषय पढ़ा थर्माल कहले कौन ना हीट एनर्जी तो जदि गोटे मेटालिक बॉडी उपरे आम हीट एनर्जी अप्लाई करछंती तो एथ्रू मेटालिक बॉडी रु मध्य किछि इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाए तो द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटालिक बॉडी बाय अप्लाइंग सम हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज ए थर्मोनिक एमिशन्स तो ये आम डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन नोट्स रे मु डिटेल्स लिखिदे तुमको नोट्स मिलजि आप्लिकेसन जदि किसी प्रोब्लेम्स तो आमको डायरेक्ट कंटाक्ट भी करपर ए पाने आम जा थर्मोनिक एमिशन उपरे जो साइंटिस्ट ताको नाला ओ डब्ल्यू रिचार्डसन ओ डब्ल्यू रिचार्डसन पे ओ डब्ल्यू रिचार्डसन ओ डब्ल्यू रिचार्डसन ए थर्मोनिक एमिशन उपरे प्रथम काम करते तो थर्मोनिक एमिशन विषय में ओ डब्ल्यू रिचार्डसन आम गोटे आईडिया देते ओ डब्ल्यू रिचार्डसन कहले जे ये जो करेन्ट डेनसीटी अच्छी ए करेन्ट डेनसीटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल जो स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर ये जगह सो ए रिचार्डसन इक्वेशन को स्क्वायर लॉ बोली कहुए स्क्वायर लॉ बोली कहुए जेहेतु करेन्ट डेनसीटा आम टेम्परेचर उपर डायरेक्टली स्क्वायर पर डिपेंड करुच्छे स्क्वायर लॉ बोली कहुए व्हेयर ये जगह पे जे कहले कौन ना जेटा आम करेन्ट डेनसीटी करेन्ट डेनसीटी कहले कौन ना करेन्ट वाई एरिया तुम करेन्ट डेनसीटी टेम्परेचर जिते बढ़े टेम्परेचरटा तुम बढ़ेदे यार नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ुची नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़िले करेन्टा बढ़ करेन्ट बढ़िले करेन्ट करेन्ट डेनसीटी बढ़ो एक से कही आम कंबाइन करदे तो जे इक्वाल्स टू ए टी स्क्वायर ई टू दि पावर माइनस बी बाय टी एबे किछि पिलांक मन भितर क्वेश्चन आसीबो जे सार ए सब गुड़ा टर्म कहले कौन ए सब टर्म कहले कौन आमे तो सार गोटे जदि प्रपोर्शनल कॉन्स्टेंटटा को आपण आनिबार थिला तो गोटे कॉन्स्टेंट आनी थांते एटा आनी थांते एटा थिला प्रपोर्शनालिटी कॉन्स्टेंट एटा सिंपली प्रपोर्शनालिटी कॉन्स्टेंट हला कि सर एक्स्ट्रा फैक्टर गोटे आपण ईटा आइले ई तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर ठीक बुझी होजी बट स्मॉल बीटा कोन एटा कॉन्स्टेंट आ ई कॉन्स्टेंटर वैल्यू केते ना फा ई वाई के को सर फूनी ये कोन कथा ने सर फाई कोन ना फाईटा तमला वर्क फंक्शन को सर फूनी वर्क फंक्शन कहले कोन देख पाने गोटे मेटालिक ऑब्जेक्ट रहा आम कह पर आम कि कौन करा कि हीट एनर्जी अप्लाई करा मेटालिक ऑब्जेक्ट उपरे तो मनकर मुझ कली ना 20 जोल रो एनर्जी अप्लाई कली मुझे देख ली जो 20 जोल एनर्जी अप्लाई कली इलेक्ट्रॉन्स एमिशन हो पारना मुझे कह सिंपल गोटे चाउल बसरा मुझे उठेबी चाउल बसरा कौन धरिकी मुझे जापरि कि गोटे जगह गोटे जगह को जदि चाउल 50 के जी तो मुझे जापरि झील पाने जापर ना जाना झील पे मैंने कौन बहुत झील पा से तो केवे जिनस टेकि ना तो से हे न धरी पारती वो छुआ कहना सर आप लेडीज को कौन भाविले आम सुपर वुमेन हो गलु बा तो जो सुपर वुमेन हो गले से नहीं पारे सवास से कितु साधारणतः आम देखिए कहीं गोटे झीर व्वेट ही 50 केजी नर्माल जो व्वेट ना आवरेज व्वेट ना 50-55 के जी हो गोटे झील व्वेट ठीक अच्छे स्लीम अच्छा ठीक अच्छे कितु ये मुझे गोटे 100 के जी मो निज कथा कहि मुझे 100 के जी वेट चाउल बस्ता के पारिनी हे तो 50 के जी को नहीं पारि कि 100 के जी नहीं पारि ना मोर से डेनसीटी एनर्जी ना तो से भाई ये मेटालिक बॉडी को हटेबापी ये जो इलेक्ट्रॉन्स को हटेबापी तो किसी ना कि मिनिमम एनर्जी दरकार ना आओ तो किसी मिनिमम एनर्जी दरकार जहाँ पर तुम तक हटे पार है तो जो मुझे 20 जूल एनर्जी अप्लाय कर इलेक्ट्रॉन्स एमिशन होती बढ़ेदेवी 21 भी है ना 22 नेली देखिल जे एई जागे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिशन हो जाऊ जे ता माने एई 22 जोलटा मोर गोटे मिनिमम एनर्जी जो थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक एमिटेड हो जे
फ्री इलेक्ट्रोन्स गुड़ाक इजेक्टेड हो द मिनिमम एनर्जी फॉर व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड और इजेक्टेड फ्रॉम मेटालिक बॉडी इज कॉल आज द वर्क फंक्शन ताकू ही वर्क फंक्शन कहा जाए कस इटा कौन इट है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स आटे 1.6 इन 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम कह केटा कौन केट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आम ऑलरेडी थर्मल फिजिक्स पढ़ीचु केट है तुम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो थर्मल फिजिक्स पर देखिन जाइक निहाती थर्मल फिजिक्स देखी दियो मुझ पूरा बहुत सिंपल लगे बुझे दीजिए आठटा थी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 इंटू 10 टू द पावर 23 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स एन थी अवोगाड्रोस नंबर तो ये आमर आर बाय एन जोटा अच्छे पे मैंने ये 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय आमर एनटा सरी सरी अवोगाड्रोस नंबरटा 8.314 उल्टा लिखी दे तो अवोगाड्रोस नंबरटा है 8.314 आउ ये जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स आउ ये 6.023 इन 10 टू द पावर 23 तो याकु सॉल्व कर तुम पाइजो को ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पाइजो के बी बा सिंपल के अच्छा कसा बुझी हला कसा टी टा कोन ना टी हला टाइम टी हला स्मॉल टी हला टाइम तो ये थिला हमर रिचार्डसन इक्वेशन बोले थिला ठीक अछि पिला माने अच्छा तो ए पिला माने आमे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोन देखिबा ना या पर जब चाइल्ड्स लॉ आसला चाइल्ड्स लॉ चाइल्ड लैंगम्यू चाइल्ड्स लॉ बोली कहा जाए या कौन है चाइल्ड लैंगम्यू चाइल्ड लैंगम्यू साइंटिस्ट को ना देखो पिला माने तुम्हें सब ओम्स लॉ पढ़ी ओम्स लॉ कौन कही थिला ना पिला ने ओम्स लॉ हम कही थिला जे भी प्रोपोर्शनल टू आई और सिंपल आई प्रोपोर्शनल टू भी जब हम भी इक्वल टू आई पढ़ी एटा ओम्स लॉ पढ़ी किंतु ओम्स लॉ टा जो भी आउ आई वर्सेस होता आमर ग्राफ्टा कौन होता पे ना स्ट्रेट होता कहीं डायरेक्ट डिफेन्स करूला कि चाइल्ड्स लैंगम्यूर ये इटली ओनली वैलिड फॉर कंडक्टर एटा केवल कंडक्टर पे वैलिड कर चाइल्ड्स लैंगम्यूर आसे चाइल्ड्स लैंगम्यूर कहले सेमिकंडक्टर केस एम होने सेमिकंडक्टर केस कौन हो सेमिकंडक्टर केस आमर जो पे अच्छे प्लेट करेन्ट अच्छे जो आम सेमिकंडक्टर ना प्लेट करेन्टा पे प्लेट पोटेनसीआल को कमी डिफेन्स कर अच्छा प्लेट पोटेनसीआल इज डिपेंड्स अपन द 3/2 पावर ऑफ करंट 3/2 पावर डिपेंड्स कर तो यही जगह आम पे करेन्टा पोटेनसीआल कम डिपेंड्स कर 3/2 पावर डिपेंड्स कर गोटे प्लेट कौन लिखे प्लेटा कौटे आसला देख पे एटे आम आईटा भी उपरे 1 डिपेंड्स करता बट ये आईटा भी उपरे 3/2 डिपेंड्स कर चाइल्ड्स लैंग्वेज लॉ टा कहुए चाइल्ड्स लॉ बोले कहुए कैसे प्लेट कहले कौन या बुझाई तुमको वैक्यूम ट्यूब को बुझाक पड़ो कह सर वैक्यूम वैक्यूम तो आम जानू सर एम्प्टी स्पेस कंटेनिंग नो मीडियम कह सर यहाँ एम्प्टी स्पेस वैक्यूम है एम्प्टी स्पेस कंटेनिंग नो मीडियम कंटेनिंग नो मीडियम जो थे किसी मीडियम न थी आउ यार प्रेसरटा बहुत लो थी जहाँफल कि इलेक्ट्रोन्सटा वैक्यूम पास हो पाए तो वैक्यूम ट्यूब एमती वैक्यूम ट्यूब इज ए टाइप अफ इलेक्ट्रोड वैक्यूम ट्यूब इज कंट्रोल द स्पेस चार्ज कंट्रोल द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स वैक्यूम ट्यूब दुई प्रकार तुम अच्छे पे गोटे डायोड आ गए ट्रायोड तो डायोड आउ ट्रायोड कहले कौन डायोड कहले कौन ना डायोड कहले व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड पुणी कस इलेक्ट्रोड कहले कौन इलेक्ट्रोड कहले कौन पे यहाँ गोटे मन सेल ये सेल बड़ गाटा कौन पॉजिटिव सान गाटा कौन नेगेटिव ये एनोड ये कैथोड आनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव तो गोटे इलेक्ट्रोड केमिकल सेल आनोडा पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव तो इलेक्ट्रोड ना तो से कथा से कहूँ जे डायोड कहले कौन ना इट इज ए टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड नेमली एनोड आ गोटे कैथोड माने जो वैक्यूम ट्यूबटा मात्र दुईटा इलेक्ट्रोड को नहीं या कह जाए डायोड कह जाए कह सर यार काम कौन ना इट इट कंट्रोल्स इट अलाउज यूनिडिरेक्शन ऑफ करेंट ये करेन्टा को यूनिडिरेक्शन अलाउ कर या विषय डिटेल्स से पढ़ा यूनिडिरेक्शन ऑफ करेंट आरंभ कौन ये आम इंट्रोडक्शन अच्छे या विषय मुझे आगे डिटेल्स पढ़ेबी आम लंग क्वेश्चन सब अच्छे आस ट्रायोड ट्रायोड कहले कौन ना ट्रायोड कहले इट इज ए टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब व्हिच कंसिस्ट ऑफ 3 इलेक्ट्रोड जार तीन टा इलेक्ट्रोड्स अच्छे जार तीन टा इलेक्ट्रोड्स अच्छे ये गोटे फिलामेंट देख ये गोटे हीटेड फिलामेंट है हीटेड फिलामेंट है गोटे प्लेट अच्छे गोटे प्लेट है सिंपल प्लेटा मोर कौन ना प्लेटा मोर एनोड प्लेट हूँ पे मोर एनोड एनोडा पॉजिटिव एटे पिला माने ए जो हीटेड फिलामेंट अच्छे एटा कैथोडटा एटा कैथोडटा
ହେଇଟାରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ୟା ନାଁ ହେଲା ଗ୍ରିଡ଼୍, ଯାହାକି ପୁରସ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଟ୍ରାଏଡ଼୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଥ୍ରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍, ନେମ୍ଲି କ୍ୟାଥୋଡ୍, ଏନୋଡ୍ ଆଉ ଗ୍ରିଡ଼୍। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ କହୁନଥିଲେ କି, ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା ଏନୋଡ୍, କ୍ୟାଥୋଡ୍ ତ ଜାଣିଲେ ନେଗେଟିଭ୍, ଏନୋଡ୍ ତ ପଜିଟିଭ୍। ଗ୍ରିଡ଼୍ କ'ଣ ନା, ଗ୍ରିଡ଼୍ ଇଜ୍ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ହୁଇଚ୍ ସେପାରେଟ୍ ବିଟୁଇନ୍ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନୋଡ୍, ନା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼୍ଟା କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଆଉ ଏନୋଡ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ କରେ। ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦ ସ୍ପେସ୍ ଚାର୍ଜ, ଏହାର କାମ କ'ଣ ନା, ଏ ସ୍ପେସ୍ ଚାର୍ଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ। କଥା କେମିତି ନା, ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିଟେଡ଼୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟଟା ଅଛି, ଆମେ ତାହେଲେ ହିଟ୍ କରିବା, ଏମିତି ମାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ ଏଠୁ ଏମିତି କାଥୋଡ୍ ବାହାରିବ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ ବାହାରିବ, ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆସିକିନି ଏ ଗ୍ରିଡ଼୍ ପାଖରେ ଜମା ହେବ। କାହିଁକି ନା ଗ୍ରିଡ଼୍ଟା ହେଲା ପୁରସ୍, ଇଏ ଇଏ କଣା କଣା ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା କଣା ଅଛି, ଇଏ କେବଳ କରେଣ୍ଟଟାକୁ ୟୁନିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଲାଉ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସଟାକୁ ୟୁନିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଲାଉ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସଟା ୟୁନିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯିବ, ଗୋଟିଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯିବ, ଜେନ୍ କରେଣ୍ଟଟା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକିନି ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାର୍ଜ ସବୁ ଜମା ହେବେ, ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସବୁ ଜମା ହେବେ। ତେଣୁ ତାକୁ କେଉଁଠି ଜମା ହେବେ, ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରେ, ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ସ୍ପେସ୍ଟା, ଏମ୍ଟି ସ୍ପେସ୍ଟା, ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଲା ସ୍ପେସ୍ ଚାର୍ଜ। ତ ଗ୍ରିଡ଼୍ର କାମ ହେଉଛି ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦ ସ୍ପେସ୍ ଚାର୍ଜ, ଇଏ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ିବ, ଏକାବେଳେ ସବୁ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ ଛାଡ଼ିବନି, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଛାଡ଼ିବ। ତ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ର କାମ ହେଲା, ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଏମ୍ଟି ସ୍ପେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସଟା ଆମର ଫ୍ଲୋ ହୁଏ। ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍, ଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଡାୟୋଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଡ଼୍, ଦୁଇଟା ଲାଗିଛି ବୋଲି ନାଁ ହେଲା ଡାୟୋଡ଼, ତିନିଟା ଲାଗିଛି ନାଁ ହେଲା ଟ୍ରାଏଡ଼୍, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରିଡ଼୍। ଗ୍ରିଡ଼୍ର କାମ ହେଉଛି ଏଇଟା ସେପାରେଟ୍ କଲା କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଏନୋଡ଼୍କୁ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦ ସ୍ପେସ୍ ଚାର୍ଜ, ଯେଉଁ ପୁରସ୍ ପୁରସ୍ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦ ସ୍ପେସ୍ ଚାର୍ଜ। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ଆଇ ହୋପ୍ ଲେକ୍ଚର୍ଟି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ନିହାତି ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ ଯେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ଯେ ବିଏସ୍ସି ଫିଜିକ୍ସ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର୍ ଜଣେ ସାର୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ରାକେଶ ସାର୍, କେମିତି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି, ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଆମେ କହିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।